Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today I'm going to take up one very important shloka of Gita, and this is the shloka number 6 of 4th adhyaya. And this shloka says something about how birth is taken by any individual. And in this shloka, Krishna just explains to Arjun how Krishna takes birth. And Krishna says, Arjun, your birth is very normal because you take birth by the influence of Prakriti. But the birth of Krishna, Krishna says, my birth is divine. And he says, although I am birthless, I am indestructible, I am baseless, still I take birth by using yogmaya. Yogmaya means without the influence of Prakriti, but he takes the help of Prakriti in order to take birth. Means he is in full control of his birth, while other people, they are not in their control of taking birth. They are in the control of Prakriti. Prakriti decides their birth. But the birth of Krishna is not decided by Prakriti. It is decided by Krishna himself. Now, I would like to explore into this very important and very deep shloka, how using yogmaya, Krishna takes birth with the perspective of yogic science. Which Sharma ji is going to explain. Sharma ji, हम आज अध्याय छः का अध्याय चार का चार का अध्याय चार का छठा श्लोक लेते हैं, और ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भगवान कृष्ण दो तरह के जन्म की बात कर रहे हैं इसमें. एक अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जन्म है वो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति डिसाइड करती है तुम्हारा जन्म, मगर मेरा जन्म जो है वो दिव्य है, मेरा जन्म योग माया से है, हालांकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सबका कर्ता धर्ता हूँ, सबका ईश्वर हूँ, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया के द्वारा जन्म लेता हूँ. बल्कि बाकी लोगों का जन्म, बाकी जीवों का जन्म योग माया से नहीं है, बल्कि माया से है, प्रकृति का अधीन है. तो बाकी जीवों का जन्म प्रकृति का अधीन है, और कृष्ण जी का जन्म, यानी अपने आप को कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, यानी मैं प्रकृति को अधीन करता हूँ, अपनी प्रकृति को ही अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ योग योगों में. तो ये योग माया से प्रकट होना और माया से प्रकट होना योगिक साइंस की दृष्टि से क्या है? योगिक साइंस में जिस तरीके के पहले भी इसमें एपिसोड बनाए थे तो उसमें यही चीज़ समझाई गई थी कि जो मूल जो थ्री प्रिंसिपल हैं, मूल चीज़ें हैं, वो उसमें ये चीज़ है कि प्राकृतिक जिसे हम कहते हैं, जिसे हमें अंडाकार स्थिति कहते हैं, जो प्राकृतिक कही गई है, इस प्राकृतिक को जो नियंत्रण करने वाली एक बाहर से जो रनिंग कर रही है और गतिमान है, जो शब्द और शक्ति और जिसे हमने प्रकाश का नाम दिया, तो ये चीज़ उसको नियंत्रण कर रही है. अभी ये तो एक किसी चीज़ को ऐसी चीज़ है जहाँ पे ऐसी स्थिति है कि इनको जोड़ने के लिए, मतलब किसी चीज़ का योग करने के लिए, जोड़ने के लिए ये चीज़ काम में लाई जा सकती है. मगर सवाल इस बात का ये खड़ा होता है कि अगर ये जुड़ती है और कोई केंद्र बनता है, कोई चीज़ इसमें आके जुड़ती है, तो ये सब चीज़ें जो पास में हैं वो तो नज़र आती हैं, जो केंद्र होता है उसको दिखाई देती हैं और समझ में आती है तो जोड़ लेता है. मगर जो अंतरिक्ष में, जो पूरे ब्रह्मांड में बहुत दूर हैं या ब्रह्मांड के बाहर भी हैं, तो जो ब्रह्मांड के बाहर की स्थिति है और जो ब्रह्मांड के अंदर की स्थिति है, अगर वो चीज़ वो वहाँ पर इस प्रकार के कोई अणु, परमाणु, जीवाणु या जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, ऐसे प्राकृतिक की ज़रूरत है, वो चीज़ प्राकृतिक उस अंडे के रूप में वहाँ पर कैसे लाई जाएगी. हम दो सवाल पहले ही कर चुके हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी रिक्त जगह नहीं है, मगर अगर कोई चीज़ ब्रह्मांड के अंतिम छोर से आ रही है और केंद्र बन रहा है कहीं ब्रह्मांड के मध्य में,
तो अगर वो चीज़ आएगी तो वो टकराती हुई आएगी। ये बात हमने पहले की थी, रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं जो स्पेस में चल के आ जाएगी, टकराती हुई आएगी। टकराव होने के कारण जहाँ पर उसे आना है, वो टकराव होने के कारण वो नेगेटिव पॉजिटिव और घनत्व के कारण वो जा करके उसमें टकराने से अगर सेट भी नहीं आई तो वो अपने को कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, अपना बदलाव कर लेती है। तो बदलाव करने में वो जाकर उसमें सेट हो जाती है, तो उसमें वो जाकर के चिपक गई। तो ये चीज़ एक जन्म की प्रक्रिया है, ये जहाँ सब चीज़ों जहाँ पर सब चीज़ों को लेकर के एक जन्म की प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ जिसे जन्म हुआ है तो वो तो प्राकृतिक में वो व्यक्ति है, वो जीव तो प्राकृतिक में है, क्योंकि वो प्राकृतिक के सिस्टम को गहराई में मूल को नहीं जानता, मगर प्राकृतिक के ऊपरी भागों को से वो प्रभावित हो रहा है इसलिए जानता है। जैसे त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों से प्रभावित है, वो तीन कालों से प्रभावित है, तो जो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण है वो एक जो त्रिगुणात्मक हमने बोला, और जो हमने ये कहा कि वो वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल तीनों इनको जानता, तो ये तो प्रकृति के बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, तो वो इनसे प्रभाव में आता है, तो वो अपने मूल को नहीं जान पा रहा है। तो वो ये प्रभाव जानने से वो व्यक्ति जो है प्रकृति के माध्यम से उसका जन्म और मरण उसमें प्रकृति का ज़्यादा अहम रोल होता है, अहम उसकी भूमिका होती है। मगर जो कृष्ण जी बात कर रहे हैं कि मैं योग माया से और मैं अविनाशी हूँ, तो ये थ्री प्रिंसिपल हैं, ये तीनों अविनाशी हैं, ये हर जगह हैं, हर जगह पे स्थित हैं, और ये किसी भी दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं होते। और जब ये प्रमाणित नहीं होते हैं इसलिए इन्हें किसी भी एंगल से नहीं प्रमाणित होते, मगर स्थित हैं, तो उसके बाद भी समझाने से भी नहीं किसी के समझ में आते, तो इसे इन्हें दिव्य कह करके और इन्हें इनको दिव्य शब्द दे करके कि भाई दिव्य आत्मा है या दिव्य हमारी इनकी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, कई चीज़ों को दिव्य नाम दे करके इनको मतलब पीछा छुड़ा लिया जाता है कि भाई दिव्य कह दिया, अब पीछा छोड़ दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये कह करके ये इसमें ये रख दिया जाता है। मगर जो दिव्य है वो एक एनर्जी तो जो प्राकृतिक है उसके बाहर से एक एनर्जी घूम रही, वो भी एक एनर्जी है, मगर जो दिव्य है जिसे दिव्य की बात कहते हैं वो इन तीनों की जो मूल एनर्जी है जिसे हम दृष्टा कहते हैं वो ये यहाँ पे है। दृष्टा ही कलेक्ट कर सकता है किसी चीज़ को, ला सकता है, और किसी थी तीन प्रिंसिपल की भाग दौड़ नहीं होती है, पड़ोस से तो आप ले सकते हो, उसमें भी दृष्टा का ही काम है, मगर वो आपको ब्रह्मांड के अंत छोर से लानी है तो उसमें दृष्टा क्या ही होता है। यहाँ कृष्ण भगवान दृष्टा स्वरूप है, वो दृष्टा है, वो ये जानते हैं कि हम हमारा जो जन्म है या नहीं जन्म है या मेरी क्या स्थिति है, तो वो एक ऐसी स्थिति को जान के बैठे जहाँ दूसरी स्थिति को जानने का ख्यालात या जानने की इच्छा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में कृष्ण भगवान वो अपने को दृष्टा रूप कह करके दृष्टा की स्थिति बता करके ये बात कह देते हैं कि हम दिव्य आत्मा हैं और हमारा मैं अनजन्मा हूँ और मैं एक अविनाशी हूँ, तो वो अविनाशी कहते हैं। थ्री प्रिंसिपल भी अविनाशी हैं, इनकी जो मूल एनर्जी जो जिसे हम दृष्टा कहते हैं वो भी अविनाशी है, तो वो ये स्थिति पे कृष्ण जी और अर्जुन जी को, अर्जुन को जो है ये कृष्ण जी जो है इस तरीके का अपना उपदेश वहाँ पे दे रहे हैं, दोनों में अंतर बता रहे हैं वो, तो वो जो अंतर बता रहे हैं इसलिए ये हमारे योगिक साइंस की जो है यही एक आध्यात्मिक साइंस है ये। अब ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं, ये अनुभव की बात है, तो यहाँ पर ये चीज़ ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद अभी वो दोबारा आप रिपीट करेंगे बताएंगे तो सभी को समझ में आएगी। ओके, लेट मी समराइज व्हाट शर्मा जी हैज सेड फ्रॉम द योगिक पॉइंट ऑफ व्यू। यू सी द कृष्णा इज सेइंग आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन मींस द कृष्णा इज ऑलवेज इन हिज ओरिजिनल नेचर इन द थ्री प्रिंसिपल्स, द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर इटर्नल, विच आर नॉट टाइम बाउंड, स्पेस बाउंड। ओके, so and it is the state of total freedom. So in that respect Krishna is divine. Okay, divine means he is not bound to anything, he is totally
free and he is just like pure witness, drashta, pure witness. So being a pure witness, Krishna is divine. Now if this pure witness has to take birth, then he will have to know something else. Otherwise, being a pure witness, he does not know anything about anybody. He is totally innocent or ignorant of anything else. So that is called the state of divinity or divine state. When he gets out of this divine state and he tries to know something else, then in this respect he is saying, I take birth with the help of Prakriti. Okay, and this is what is called Yog Maya, right? Being divine, but this divinity can take birth with the help of Prakriti, right? And in this state, he knows something else also. Means he takes birth. Okay, he is in the Prakriti. Being in the Prakriti means to know something other than itself. And only to know itself, not knowing others, is the state of divinity, the divine state. And to know other is the state of Prakriti. So this is the two category of beings. One is divine being, which is always established in his pure nature, in his original nature, in the state of pure witness. He knows itself but nothing else. The other state is knowing others and not knowing itself. Okay, that is called the state of normal jivatmas. Okay, and there is a third state also. One can know himself, one can remain in the mool, in the original nature, and simultaneously he can be in Prakriti also. And this is the state of Bhagavan Sri Krishna. Thank you.